बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड अस्सलामुअलैकुम द होल वर्ल्ड एंड ऑफ़ कोर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों जुनैद हसन मुश्तबा। एक और खूबसूरत शाम हाजिर खिदमत है ओपन माइक हॉरर्स को पॉडकास्ट के साथ। वीकली हमने आपके साथ डिस्कशन करनी है और हमारा अंदाज जो है वो या तो आपके साथ हम वीकली शेयर करते हैं मंडे को, या फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं थर्सडे को, या फिर फ्राइडे को, या फिर संडे को। इस तरह से सिचुएशन हमारी चल रही होती है, लेकिन हम इसको अब जो है रैंडम कर दिया करेंगे ताकि हम फिक्स ना हों स्केड्यूल के साथ। जिस तरह जितनी जल्दी हो सका हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दिया करेंगे। सो जी, एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये है, हमारा ये अंदाज़ होता है कि सबसे पहले आपके सितारे की हम पहचान बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यह हफ़्ता आपका जो है वो ओवरऑल क्या कहता है। चूँकि एक मिनट होता है और हमने पूरे हफ्ते को आपके साथ डिस्कस करना होता है, सो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि मुख्तसर मगर पुरअसर जामे रखा जाए। आपको अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता कोई असरात वगैरह हैं ऐसे कि जो यानी ऐसी बात नहीं है भाई, वाइब्स की बात की जा रही है कि जो थोड़ी सी परेशान कन हो सकती हैं, तो उनसे आपने किस तरह से नबरदाजमा होना है, किस तरह से आपने सदक़ात वगैरह के ज़रिए या फिर खैरात करके या फिर आपने वज़ाइफ़ औराद के ज़रिए आपने उनसे निजात हासिल करनी है, ये भी आपके साथ डिस्कशन होती है। ये ओवरऑल हमारा पैटर्न होता है। हम तकरीबन तमाम शबाह ज़िस्त को जिक्र करते हैं जिसमें सेहत, दौलत, इज़्ज़त, मोहब्बत, कारोबार, मुलाजमत, रिश्तेदारी, ताल्लुक़, और कोशिश करते हैं कि हर हवाले से इनको जिक्र किया जाए। डिटेल हम आपको बताते रहते हैं और YouTube पे सुनते हुए आप सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार करते हैं, वहीं से हम आपका फीडबैक भी उठाते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। हमारी आपसे नॉर्मल चिटचैट भी जनरल चलती रहती है, सो ये सिलसिले जारी रहेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं। वीकली में सबसे पहले एज़ यूजुअल हमारे पास बुर्ज हमल ही है, और आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो सेहत के हवाले से ये हफ़्ता थोड़ा सा आपके लिए आपकी तवज्जो चाहता है। सदकात वगैरह करते रहिए और ख़ास तौर पे जो आपको रिकमेंड किया था बुर्ज अमल वालों को, वो सदका जो है वो आप ज़रूर कर लें। उसकी डिटेल्स जो आपको मिल जाएंगी हमारी जो एरीज़ की प्लेलिस्ट है उसमें से। सो ये बहुत ज़रूरी है इस हफ़्ते, इसको प्लीज़ जारी रखें ताकि परेशानियों वगैरह से, बलाओं से आप जो है वो महफूज रहें। रोज़गार के हवाले से अगर परेशानियां थी तो उसकी भी आपको वजह तो इसमें मिल चुकी होगी, लेकिन अगर सदकात के आगाज़ के साथ आप जो है वो चलते हैं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई सिलसिला अच्छा बन जाएगा और माली लिहाज से परेशानियां जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होती नज़र आती हैं। बाकी चाहे सेहत हो या ख़ास तौर पर इज़्तिवाजी ताल्लुक वगैरह, तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा इस हफ़्ते। बेस्ट ऑफ लक। हमारा अगला सितारा बुर्ज सौर है। आप लोगों के हवाले से अगर इस हफ़्ते को आप डिस्कस करना चाहते हैं 24 फरवरी से 2 मार्च को, तो विरासती उमूर जो काफ़ी अरसे से कह लें कि कहीं ना कहीं इन पर डिस्कशन हुई, या कोई भी लीगल मैटर हो सकता है जिस पर बात होती थी और फिर बात दब जाती थी, या फिर कोई ख़त्मी इसमें नतीजा जो है वो सामने नहीं आया था। इस तरह के मसाइल जो हैं, यानी ये सिलसिला भी चलता नज़र आता है, कहीं ना कहीं ये चिंगारी वो कहते हैं ना सुलगती नज़र आती है। हिकमत अमली से चलने की ज़रूरत होगी। ठंडे मिजाज के साथ डेफिनेटली आप जानते हैं कि इसमें ज़रूरत होती है, वरना बात बिगड़ जाती है। किसी के साथ मिलके अगर करना चाहते हैं पार्टनरशिप वगैरह में, बिस्मिल्लाह कर लें, अल्लाह पाक खैर करें, इस्तखारा कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कारोबारी मामले में अगर आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिले ना, पार्टनरशिप या अपना बिज़नेस, तो अपना बिज़नेस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नौकरी की तलाश में थे तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। हमारा अगला सितारा जो है वो बुर्ज जोज़ा है। आप लोगों का ये हफ़्ता कहता है कि माली लिहाज से इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ खबरें, इनफैक्ट कुछ आपको अच्छे हालात जो हैं वो मिलेंगे, और मुश्किल जो एक अरसा से चल रही थी वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। अखराजात के हवाले से परेशानियां थी वो भी हल होती नज़र आती हैं, सूरत हाल आपके काबू में आती नज़र आती है। सो आपको भी अपनी कोशिश इस हवाले से ज़रूर और अपना इनपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे देना चाहिए ताकि आपको इसका सही से समर मिल सके। बाकी घर में दोस्त अहबाब के साथ सिलसिले अच्छे रहेंगे और आपको इस हवाले से आप अलबत्ता तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन अपने इन्वॉल्वमेंट को आपको लिमिटेड रखना होगा। यानी आप अपनी और अपने प्यारों की केयर ज़रूर करें ख़ानदानी मामलात की, लेकिन जहां आपका बनता नहीं है वहां आप इन्वॉल्व मत होइएगा। प्लीज़ ये ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा।
हमारा अगला सितारा जो है वो बुर्ज सरतान है। आप लोगों का ये हफ्ता कहता है कि सिलसिले अच्छे हैं, सेहत वगैरह माशाल्लाह से, और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हो सकता है कि करियर बेस्ड या कोई ऐसे फैसले हों जो बहुत ज़रूरी हों और उन पर आप तजब्ज़ुब का शिकार हों कि वो फैसले जो हैं वो मुस्तकबिल के हवाले से हो सकते हैं ना, कि वो आप क्या फ़ैसला करें। तो इस हवाले से आपको ख़त्मी राय ले लेनी चाहिए जिससे भी आप जो है वो राय हासिल करना चाहते हैं, और डेफिनेटली फिर अपना फ़ैसला कर लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर रहेगा। और अभी वक्त जो है वो इस हक़ में है कि आप इस्तखारे से यार मदद लीजिए और फ़ैसला कर लीजिए, ठीक है। वालिदैन जो हैं वो औलाद के लिए, ख़ास तौर पर औलाद के रिश्ते के लिए उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके हवाले से यह हफ़्ता अच्छा होगा। जिनकी नौकरी के हवाले से कोई ट्रांसफ़र वगैरह चाहते हैं या फिर कोई प्रमोशन चाहते हैं तो वो सिलसिले सब अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी। सो एंजॉय कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। बुर्ज असद वालों कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया। सियारा शम्स होता है 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान तारीख़ पैदाइश होती है। थोड़ी सी बंदिश कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। हो सकता है कि आप अगर कोई नाकामी वगैरह कामों में महसूस कर रहे हो तो आपको उस वजह से भी इससे इशारे मिल रहे हों। थोड़ी सी कोशिश करनी होगी जिस तरह से आप कर सकें, ठीक है। रूहानी लिहाज से आप और औरादा वज़ाइफ के ज़रिए चल सकते हैं, माली लिहाज से आप सदक़ात व खैरात के ज़रिए चल सकते हैं, तो इंशाल्लाह अब लेकिन आसानी से निकल आएंगे इस सिचुएशन से। नमाज की पाबंदी जारी रखिए, दुरूद शरीफ का विर जारी रखिए, अपनों के साथ दिल की बात मत कीजिए, मोहतात तरीके से चलिए। आप समझ रहे हैं ना, राजदारी इस वक्त आपकी बहुत कह लें कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे कितना ही आपका बाएतमाद इंसान कोई जानने वाला क्यों ना हो, वरना खुदा न खास्ता नुकसान का अंदेशा है। बेस्ट ऑफ लक। सुंबला वालों आपका ये हफ्ता हमारे नज़दीक कहता है कि कोई ना कोई ऐसा है यार कि जो मुनाफिक जिसे कहते हैं ना दोहरी शख्सियत का मुलम्माकार इंसान, वो आपके करीब हो सकता है, वो जिसकी वजह से फिर बहुत से नुकसान होते हैं। कभी कभी हमें पता भी होता है हम पता नहीं क्यों ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी की खातिर समझौते कर करके चल रहे होते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि हमारा फिर पीछे बच क्या जाता है। हम जितने प्योर और जितने खालिस और जितने प्यारे अल्लाह पाक की तरफ से दुनिया में आते हैं, हम वापस उसके पास क्या तोहफ़ा लेके जाते हैं? ये अजीब व गरीब गुनाहों में लुथड़े हुए, खैर छोड़ें, इस हवाले से मुहतात रहिए। किसी इस तरह से वो सब कुछ जो है वो दाव पे लगा होता है, इंक्लूडिंग आपकी इज्जत। सो बच के रहिएगा। बाकी इंशाल्लाह सिलसिले जो हैं वो रोज़गार पे तवज्जो दें तो ज़्यादा अच्छा है, फजूल काम छोड़ने होंगे और माली मामलात पे आपको प्रायोरिटी के साथ फोकस करना होगा। बेस्ट ऑफ लक। मीज़ान वालों आपका अगर हम बात करते हैं ये हफ़्ता, तो यार सियारा आपका ज़ोरा होता है अपने दिमाग को आपको ना किसी मसरूफ़ काम में लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको आप अच्छी बुक स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कुरान पाक होनी चाहिए, फिर उसको समझने के हवाले से, फिर उसी तरह से दीगर बाकी भी कुतुब जो हैं जो आपको अच्छी लगती हैं पढ़ने के लिए, आप उनका मुतालिया जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिससे आपका ज़हन जो है ना वो उसकी एक्सरसाइज हो और वो अच्छी सोचों की जानब मायल हो, तो इंशाल्लाह सेहत जो है वो इससे बेहतर हो जाएगी और नफ्सियात भी आपकी बेहतर होंगी, बर्दाश्त आपकी बढ़ जाएगी और मसरूफियात पर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यही आपको मसाइल से निकालेंगी। नमाज से ज़रूर मदद लीजिए, या हयू या क्यूम का विरद अगर करते हैं, विरद ज़ुबान रखते हैं इसे, तो और भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है यह हफ़्ता आपकी। सो बेस्ट ऑफ लक। जी हमारे अगले बुर्ज साइंटिस्ट हैं जी, बुर्ज अक्रब वाले, अक्रबी ख़वातीन हज़रात, आपका सियारा मरीख होता है 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान तारीख़ की पैदाइश होती है। कोई ख़ास अगर परेशानी वगैरह थी या कोई ऐसा मसला था ना कि जिसे आप जान छुड़ाना चाहते थे, तो उसमें आप कामयाब होते नज़र आते हैं, और बस अपनी तवज्जो अपनी ईमानदारी या फिर वो होते ना कोई काम जो है वो क्या उसे कहते हैं कि कोई रुका हुआ काम होता है, तो हम चाह रहे होते हैं कि यहाँ हम इसे निकल जाएँ फिर ये पार लग जाए, तो इस तरह की सिचुएशन इंशाल्लाह वो आपके हक़ में हो जाएगी। और ये आपकी जो भी इसका फ़ैसला होगा ना आपके हक़ में, आपके मुस्तकबिल के हवाले से आपके हक़ में होगा इंशाल्लाह। काफ़ी ऐसे चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि जो
कई सालों बाद होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन कामों से बस दूर रहें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारा अगला सितारा जो है वो है जिबुर जैको स्यारा मुश्तरी, आपका 23 नवंबर से 20 दिसंबर के दिन तारीख़ पैदाइश होती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद को अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी वजह से अपनी सेहत को मुतासर करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बादशाह मेहरबान है, वो परेशानियाँ दूर करने वाला है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किलात हल करने वाला है, वो बंद रास्तों से उम्मीदों की कोंपलें वही ईजाद जो है वो खिला सकती है। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब्र से काम लेने का ये आपका वक्त है। जहाँ गुनाह हुए हैं, हकूक़ अलबाद के हवाले से मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह बादशाह से रिलेटेड जो हैं वो अल्लाह पाक से तौबा कीजिए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हो सकता है किसी ज़ाती गलती की वजह से आपको मसाइल दरपेश हों, वरना कोई ऐसी ऐसा मसला या परेशानी नहीं है जो कि आपको तंग कर सकती हो। बेस्ट ऑफ लक। ज़ाती मुहासिबे से हम बुर्ज जद्दी वालों के जाने पड़ते हैं। सियारा आपका ज़ोहल 21 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान तारीख़ पैदाइश होती है। माली लिहाज से अगर आप तंगदस्ती का खुदा न खास्ता शिकार चले आ रहे थे, या जो हालिया सिचुएशन है उस हवाले से परेशान हो रहे थे, तो परेशानी दूर होने का ये हफ्ता है, होने का वक्त है। इंशाल्लाह कोई ज़रूरी मामला जो है वो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और काफ़ी माली सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। समझ लें कि एक ही वक्त में दो जगह से रिस्क का बंदोबस्त वो जिस मालिक ने वादा किया है रिस्क का वो इंशाल्लाह कर देगा। हालात दिन ब दिन अच्छे होते जाएंगे और बेशक वो अल्लाह पाक फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप इस हफ्ते इसकी समझें कि तशरी आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में फील कर पाएंगे। सो इन्जॉय कीजिए, आसानियों का वक्त है, इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे क्या बात है। हमारा अगला सितारा बुर्ज दलव है, आप लोगों के हवाले से अगर देखते हैं तो स्यारा ज़ोहल होता है आपका। बेदावे 22 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान तारीख पैदाइश होती है। इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत होगी, किसी की बातों में आके हम अक्सर जो है वो परेशान हो जाते हैं या अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रही तो अल्लाह बादशाह से मदद लेना, उससे दुआ करें, उससे इस्तखारे के ज़रिए मदद हासिल करें, वरना परेशानियां जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएंगी, बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। सो मैं तो कहता हूँ कि इस्तखारे से बड़ी क्या बात है यार, और दुआ पे यकीन, इन दोनों से बड़ी दुनिया की बड़ी से बड़ी ज़रूरत, नामुमकिन से नामुमकिन काम को भी कुन के ज़रिए हम इन दो ज़राए से करवा सकते हैं, अल्लाह बादशाह से, बिलीव मी। सो गलती नहीं करनी है आपने, इन दोनों रास्तों का सहारा ले सकते हैं। ख़ानदान में कुछ लोग हैं जो हसद करते हैं और मुखालिफत भी हो सकता है आपको उसका सामना करना पड़ रहा हो, तो इस हवाले से आपने मोहतात रहना है, उन लोगों के करीब नहीं जाना। हसद वो आग है कि जिसमें वो भी जलेंगे और उसकी तपिश आपको भी नुकसान पहुँचाएगी। तो प्यारे वो समझते हैं ना आपने आपके कि आपने इससे गुरेज करना है। सुबह सफलाक बुर्ज हूत वालों, आखिरी हमारे आप ही हैं प्यारे। सियारा आपको मुश्तरी होता है 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान आपकी तारीख पैदाइश होती है। ज़िंदगी को तब्दील करने का बड़ा ज़बरदस्त मौका मिलेगा आपको इंशाल्लाह इस हफ्ते ना, और जिस काम में भी हाथ डालेंगे अल्लाह पाक का नाम लेकर, इंशाल्लाह वो आपके हक़ में और ज़रूर हो जाएगा। कोई ख्वाहिश बरसों से थी वो भी पूरी होती नज़र आती है। अपना बस आपने क्या करना है कि दिल साफ रखना है, वक्त की कदर करनी है, और कोई परेशानी नहीं है, बंदिश जादू टूना नजरे बद वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई वहम जो है वो जहन में नहीं रखना आपने। और अगर ये वहम जान ना छोड़े तो आसान हल है, आप सदका दे दीजिए ताकि इस तरह का कोई इशू हो ही ना। और जब सदका आप दे देते हैं, कोई ऐसा वहम हो भी ना, तो सदक़े की बरकत से हम बड़ा महफूज महसूस करते हैं अल्लाह बादशाह की बारगाह में। सो ऑल डन। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करेंगे, मुख्तसर अपनी तजावीज़ आप हमारे साथ शेयर करेंगे,
और कुछ पूछना जानना और बताना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारे इसी तरह से आपके साथ पॉडकास्ट का सिलसिला रहेगा जारी। सुनने को आपके साथ ईयरली इंशाल्लाह इस साल का मुख्तसर जायजा शेयर करते हैं, डिटेल फिर होता रहेगा। यूट्यूब पर सुनते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा। दो में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है रात में। अल्लाह नबी वारिस।